अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज एसडी। मैं हूं हारिस अनीशा गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लिए चलेंगे साहिवाल, जहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल ज़ियाउल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफत फैलाने पर एहसान शाह को सजाए मौत देने का फैसला कर लिया। 22 साल कैद सख्त और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अदम अदायगी जुर्माने पर मुजरिम को मजीद एक साल कैद सख्त की सज़ा भुगतना होगी। अदालत ने मुजरिम एहसान शान को 295C में सजाए मौत, 5 लाख रुपए जुर्माना, 295 में 10 साल कैद सख्त, 11E में 7 साल कैद सख्त, 7 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में 5 साल कैद सख्त और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। इस्तगासा के मुताबिक 19 अगस्त 2023 को मुलजिम एहसान शान ने जड़ावाला वाक़े को बुनियाद बनाकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने और मजहबी मुनाफरत फैलाने का मवाद अपलोड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर पुलिस थाना डेरा रहीम के सब इंस्पेक्टर चौधरी आमिर फारूक गुजर ने छापा मारकर मुलजिम एहसान शान को 138 नोएल से गिरफ्तार कर लिया और मवाद मटेरियल मोबाइल समेत कब्जे में ले लिया। थाना डेरा रहीम पुलिस ने मुकदमा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट दफा 11E 295A 295B और 7 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट दर्ज कर लिया था। मुलजिम को सेंट्रल जेल साहिवाल भेज दिया गया।